हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो इस वीडियो में हम लोग एक वन ऑफ द लीडिंग रियल एस्टेट डेवलपमेंट कंपनीज के बारे में बात करने वाले हैं, जिसका बुक वैल्यू है 200+। बात को समझो, बुक वैल्यू है 200+, लेकिन करंट मार्केट प्राइस है अराउंड 30 रुपीज़, बिलो 40 रुपीज़ आप लोग बोल सकते हो। तो कंपनी टोटली अंडररेटेड है, अंडर वैल्यूड है, ये आप लोग बोल सकते हो। कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री है और कंपनी ने डेट भी रिड्यूस किया है, 31% रिटेलर्स का होल्डिंग निकल के आ रहा है। ये कुछ प्रोज है, बाकी 90% चीज़ें इस कंपनी में कौन सा, लेकिन जो कंपनी अंडर वैल्यूड है, यही देखने के बाद मैं और भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं वो देखने के बाद मैं कंपनी में लॉन्ग टर्म में पैसा लगा सकता हूँ। तो चलिए, ये हो गया प्रोज। अब कॉन्स गिनाने बैठूँ तो वीडियो एटलीस्ट 25 मिनट का हो जाएगा, क्योंकि नेगेटिव्स बहुत सारे हैं कंपनी का। मैं फ्यूचर देख रहा हूँ इस कंपनी का, स्विंग ट्रेडिंग के लिए भी हाँ पॉइंट है, स्विंग ट्रेडिंग के लिए भी। लेकिन अगर आप लोग सोचते हो कि हाँ एक महीने दो महीने होल्ड करूँगा, उसके बाद आप लोग प्रॉफिट मिलेगा, हम लोगों को कैसे भी एंट्री चलेगा, जैसे लॉन्ग टर्म में लोग करते हैं, उन लोगों को इतना मैटर नहीं करता है। जो लोग 2-3 साल के लिए बाई करते हैं, उन लोगों के लिए एंट्री इतना ज़्यादा मैटर नहीं करता है, क्योंकि कभी ही आप लोग एंटर कर सकते हो स्टॉक में, क्योंकि आप लोग 2-3 साल के लिए होल्ड कर रहे हो। लेकिन अगर आप लोग ये सोच के इंटर कर रहे हो कि 6 महीने में मुझे पैसा बना के देके जा सकते हैं, पैसा बना के देके जा सकती है ऑब्वियसली, लेकिन रैंडम एंट्री पे नहीं, अगर आप लोग ठीक ठाक एंट्री लेते हो तो ही। स्विंग ट्रेडिंग के लिए भी ऑप्शन है, लेकिन ये नहीं बोल सकता कि शॉर्ट टर्म में अच्छा खासा पैसा बना के देके जा सकती है, दोनों बात अलग है। स्विंग ट्रेडिंग का मतलब है कि बेस्ट एंट्री लो और टारगेट पे निकल जाओ, लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए है, मेरा इतना टाइम पीरियड लिमिटेड है, मैं 6 महीने होल्ड करूँगा, 6 महीने में जिस भी पोजीशन पे मुझे ये मिला मैं उसे बेच दूंगा। बहुत सारे स्टॉक्स हैं हाँ ये 6 महीने में ऊपर ही जाएगा, ये कन्फर्म है, लेकिन इसके बारे में मैं नहीं गारंटी दे सकता कि 6 महीने में ये ऊपर ही जाएगा नीचे आएगा, क्योंकि स्विंग ट्रेडिंग तभी लिया जाता है जब मुझे कन्फर्मेशन मिल जाती है कि ये अभी ऊपर ही जाने वाला है, तो मैं बाई कर सकता हूँ इसके ऊपर के टारगेट के लिए। लेकिन शॉर्ट टर्म में शॉर्ट टर्म के लिए मैं कोई गारंटी नहीं ले सकता, कोई भी ट्रेडिंग के लिए मैं कोई भी गारंटी नहीं ले सकता। लेकिन स्विंग ट्रेडिंग का एक अलग ही पर्पज़ है, स्विंग ट्रेडिंग में आप लोग आराम से किसी भी स्टॉक में फंडामेंटली जितना भी डाउन कंपनी मिले उसमें भी पैसा बना के जा सकते हो, लेकिन ये शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग में जीरो है आप लोग बोल सकते हो, क्योंकि शॉर्ट टर्म में अवॉइड ही करो। अगर करना है तो स्विंग ट्रेडिंग करो, इंट्राडे में भी अवॉइड करो, स्विंग ट्रेडिंग करो, या तो फिर आप लोग लॉन्ग टर्म मतलब 1-2 साल के लिए होल्ड करके चल सकते हो, क्योंकि रियल एस्टेट डेवलपमेंट कंपनी से अभी कोरोना केसेस बढ़ रही है, इसके चलते कंपनी लॉस मेकिंग है, पहले भी लॉस मेकिंग थी। तो चलिए बेकार बातें ना करके डायरेक्ट फंडामेंटल्स दिखाता हूँ आप लोगों को, पहले टेक्निकल्स दिखाता हूँ उसके बाद फंडामेंटल्स दिखाता हूँ आप लोगों को, ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। तो टेक्निकल्स पहले आप लोग टेक्निकल्स देख सकते हो कंपनी का। हब टाउन कंपनी का नेम है, NSE में लिस्टेड स्टॉक है, लोअर सर्किट में क्लोजिंग हुआ है, तो ऑब्वियसली 100% के अराउंड है, इसका जो डिलीवरी परसेंटेज वो निकल के आएगा। अब लेवल्स के बारे में बात करें तो इसमें एक खास पैटर्न आप लोग नोटिस करोगे, हायर हाई इसका पैटर्न बनाती है, कंपनी हाई बनाती है, उसके बाद कंसोलिडेशन, हाई कंसोलिडेशन, उसके बाद हाई कंसोलिडेशन। तो अब मुझे यही लग रहा है कि क्योंकि देखो ये इतना नीचे नहीं गिरता, अभी ये इतना नीचे गिर रहा है क्योंकि ओवरऑल मार्केट नीचे गिर रही है। तो अब एक चीज़ हो सकती है, ये अब पहले वाला पैटर्न स्टडी करो, जो डबल बॉटम बनाया उसके बाद रॉकेट हो गया स्टॉक, पहले वाला हाई को तोड़ के नया हाई लगा दिया इसने। तो अब अगर ये हो सकता है कि यहाँ से डायरेक्ट बाउंस बैक दिखा दे ये स्टॉक, और ये भी हो सकता है डबल बॉटम फॉर्म कर जाए, या फिर ये भी हो सकता है कि ये नीचे की लेवल दिखा दे। तो पहले बता देता हूँ कि जिसका पॉसिबिलिटी सबसे ज़्यादा है कि यहाँ से बाउंस बैक दिखा दे स्टॉक, या तो फिर डबल बॉटम फॉर्म करे ऊपर चली जाए स्टॉक। तो अगर इससे ऊपर जाती है तो अराउंड आप लोगों को 55-60 का लेवल्स आप लोगों को आराम से देखने को मिल सकता है, आराम से आप लोगों को 55-60 का लेवल देखने को मिल सकता है यहाँ से अगर ऊपर जाती है स्टॉक। तो अगर आप लोग सेफ खेलना चाहते हो तो अराउंड 55 आप लोग प्रॉफिट बुकिंग करके निकल सकते हो। अगर आप लोगों को लगता है कि हाँ उससे भी ऊपर जा सकती है और थोड़ी बहुत रिस्क लेना चाहते हो तो 60 के लेवल तक आप लोग होल्ड करके चल सकते हो, एटलीस्ट आप लोगों को पर शेयर 1-2 रुपये ज़्यादा ही इनकम हो जाएगा। तो अब बात करें जिसकी पॉसिबिलिटी सबसे कम है कि नीचे गिर जाए यहाँ से स्टॉक। अगर नीचे गिरती है, देखो स्टॉक मार्केट है, कुछ भी हो सकता है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि नहीं होगा, तो आप अभी से बाई करने बैठ जाओ नहीं, ये बिल्कुल भी मत करना, हो सकता है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, वो किसी के हाथ में नहीं रहता है स्टॉक मार्केट में। तो अगर ये कंपनी नीचे चली आती है तो अगर यहाँ पे आप लोग बाई करके चल सकते हो बाउंस बैक के टाइम, इससे नीचे नहीं आएगी,
अगर मार्केट में कोई इतना ज़्यादा बड़ा न्यूज़ निकल कर आके कंपनी स्कैम में फंसा हुआ है, कंपनी में कुछ घपला हुआ है, घोटाला हुआ है, तो ही इसके नीचे आएगी। अगर नॉर्मली इसके नीचे आने के चांसेस बहुत ही कम है, 90% चांसेस है कि अगर इससे नीचे गिरती है तो यहाँ से बाउंस बैक दिखा देगी स्टॉक। 90% चांसेस है कि इसके नीचे अगर गिरती है तो इसके नीचे गिरने का 90% चांसेस नहीं है, चांसेस इसी का है। अगर इस रेंज में ट्रेड करती है कंपनी तो यहाँ से बाउंस बैक दिखाने का चांसेस 90% है, और इससे नीचे गिरने का चांसेस 30% आप लोग बोल सकते हो कि ये जो 32 के लेवल है इससे नीचे गिरने का चांसेस 30% है। 30 नहीं बोलूँगा मैं, अभी करंट मार्केट सिचुएशन को देखते हुए अभी मैं बोलूँगा कि 45% चांसेस है कि ये ऐसा नीचे गिर सकता है। अगर नॉर्मल सिचुएशन रहती तो मैं 30% बोलता या तो फिर 20% भी बोल सकता था, लेकिन करंट सिचुएशन को देखते हुए मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ कि 45% चांसेस यही रहेगा कि ये कंपनी ये जो 32 के लेवल से ऐसे नीचे गिर सकती है, क्योंकि पहले का रेजिस्टेंस यहाँ पे निकल के आ रहा है, अराउंड 32 के आसपास से निकल के आ रही है, और अभी फिलहाल ये कंपनी 32 के आसपास 32.5 रुपीस में ट्रेड कर रही है। तो ये आप लोग बोल सकते हो, अगर इसके ऊपर बाउंस बैक के टाइम आप लोगों को स्टॉक मिल जाता है तो कहीं पर भी एंटर कर सकते हो, लेकिन प्लीज़ ट्राई करना 40 रुपीज़ से पहले एंटर कर जाने की, एटलीस्ट आप लोगों को कन्फर्मेशन मिल जाएगा 40 रुपीज़ के। जितना जल्दी हो सके एंटर करना, लेकिन जल्दबाजी में कन्फर्मेशन के पहले आप लोग एंटर मत कर जाना, क्योंकि आप लोग ट्रैप हो सकते हो या तो फिर आप लोगों को लॉस बुकिंग भी करना पड़ सकता है। तो आप लोग ट्राई करना जितना हो सके 40 रुपीज़ से नीचे एंटर करने की ट्राई करना, और क्या टारगेट रहेगा 60 रुपीज़ तक टारगेट रहेगी इस कंपनी की। तो ये मैंने स्विंग ट्रेडिंग के लिए बहुत सारे लेवल्स बता दिए कहाँ पे आप लोग बाई कर सकते हो, क्या इसका लेवल निकल करे, और अगर हाँ स्टॉक मार्केट में एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड ये भी हो सकती है, तो अगर इसके नीचे गिरती है तो मैं उसके ऊपर वीडियो बना दूंगा सेपरेटली, क्योंकि जिस दिन गिरेगी उसी दिन मैं वीडियो बना दूंगा सेपरेटली कि आगे क्या आप लोगों को करना चाहिए, क्योंकि अभी बेकार में वीडियो लंबा खींचने का कोई मतलब नहीं बनता। इसके नीचे अगर गिरता है तो क्या करने का है उसके बारे में बात करके, तो चलिए मैं फंडामेंटल्स दिखाता हूँ। पहले दिखाता हूँ कितने क्वांटिटी लोग सीएनसी में घर लेके गए इस स्टॉक को। जैसे कि आप लोग देख सकते हो हबटाउन लिमिटेड निफ्टी रियल्टी में कंपनी लिस्टेड है, उसके बारे में अगर बात उसके बाद अगर बात करें तो 16,000 क्वांटिटी ट्रेड हुआ है, जिसका वैल्यू निकल कर ऑलमोस्ट 5.21 लाख रुपीज़, सेलिंग प्राइस 32.5 के लेवल में, 287 क्वांटिटी अभी भी पेंडिंग ऑर्डर है, डिलीवरी पोजीशन अभी तक अपडेट नहीं हुआ, लोअर सर्किट में क्लोजिंग हुआ है तो 100% डिलीवरी पोजीशन ही रहेगा, ये नो डाउट, एटलीस्ट 90% प्लस तो रहेगा ही रहेगा डिलीवरी पोजीशन। अगर ट्रेड भी हुआ होगा तो मार्केट ओपनिंग से पहले मतलब 9 से 9:07 के बीच में ट्रेडिंग हुआ होगा। तो अभी बात करते हैं कंपनी की मार्केट कैप के बारे में, बैलेंस शीट और वो सब के बारे में भी एक बार देख लेते हैं कंपनी क्या करती है। ये आप लोग देख सकते हो हबटाउन लिमिटेड इज वन ऑफ द इंडियाज लार्जेस्ट रियल एस्टेट डेवलपमेंट कंपनीज, इट हैज प्रोजेक्ट्स इन 7 इंडियन सिटीज एंड डाइवर्सिफाइड इनटू रेजिडेंशियल स्पेसेस, ऑफिसेज, आईटी पार्क्स, सोशल इकोनॉमिक जोन्स। आरओसी और आरओई पहले ही दिखाया था नेगेटिव में, और जिसके बारे में मैं बात कर रहा था बुक वैल्यू से काफ़ी सस्ते में ट्रेड कर रही है, अराउंड 0.15 टाइम्स ट्रेडिंग कर रही है अभी, मार्केट कैप 236 करोड़ का है, और फिलहाल इट्स ट्रेडिंग अराउंड इट्स 52 वीक हाई कम्पेयर टू द 52 वीक लो, 52 वीक हाई के आसपास ट्रेड कर रही है कंपेयर टू द 52 वीक लो, और एक साल में इसका रिटर्न आप लोग देख सकते हो ऑलमोस्ट 400% की रिटर्न ये कंपनी देके जा रही है ऑलमोस्ट। तो ये आप लोग अंदाजा लगा सकते हो कि लॉन्ग टर्म में ये कंपनी बहुत ही शानदार मल्टीप्लायर बन सकता है, क्योंकि देखो कंपनी अंडर वैल्यूड है यहाँ से सब दिख रहा है आप लोगों को, फेस वैल्यू 10 रुपये का है, डिविडेंड नहीं देती है, प्रोज एंड कॉन्स के बारे में बात करें कंपनी इज रिड्यूस डेट, स्टॉक इज ट्रेडिंग 0.16 टाइम्स इट्स बुक वैल्यू, कंपनी इज एक्सपेक्टेड टू गिव गुड क्वार्टरली रिजल्ट, जून के क्वार्टरली रिजल्ट अभी तक अभी से अपडेट हो गया, जून के क्वार्टरली रिजल्ट ऑलरेडी निकल चुका है, यहाँ पे अपडेट नहीं हुआ है, हाँ नीचे क्वार्टर बैलेंस शीट क्वार्टरली रिजल्ट शेयरिंग पैटर्न वो सब में अपडेट हो गया है, लेकिन यहाँ पे प्रोज में अपडेट नहीं हुआ है। कंपनी एज डिलीवरी पुअर सेल्स ग्रोथ आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, लो आरओई पास्ट 3 सालों में, प्रोमोटर्स का होल्डिंग भी प्लेज हो रखा है 91.15%, कंपनी एज हाई डेप्टेड डेज, उसके बाद अगर बात करें कॉन्टिजेंट लाइबिलिटीज ऑफ 2476.53 करोड़, प्रोमोटर होल्डिंग 3 सालों में 6.09% ऑलमोस्ट 6% 6.1% कम हुआ है, सॉरी फॉर दैट। उसके बाद अगर बात करें क्वार्टरली रिजल्ट की, जैसे कि आप मैंने बताया कि जून की क्वार्टरली रिजल्ट आउट हो चुका है, जून के क्वार्टर में अच्छा खासा ऑपरेटिंग प्रॉफिट दिखाया है, लेकिन जो यहाँ पे आप लोग इंटरेस्ट देख सकते हो इंटरेस्ट के चलते और जो डिप्रिसिएशन वैल्यू के चलते, डिप्रिसिएशन का इतना बड़ा कुछ रोल नहीं है, जितना भी रोल है नेगेटिव में जाने का वो इंटरेस्ट की वजह से कंपनी -17 करोड़ का लॉस दिखा रही है। लेकिन अगर एक पॉजिटिव चीज़ देखोगे कि जून का जो रिज़ल्ट है वो सेल्स में कम हुआ है, लेकिन
जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो पॉजिटिव में है एटलीस्ट 3 क्वार्टर के बाद, मतलब लास्ट पॉजिटिव था जून 2020 के क्वार्टर में। ये हो गया कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट। अब ईयर ऑन ईयर बेसिस भी एक बार हम लोग चेक कर लेते हैं। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे आप लोग देख सकते हो 156 करोड़ का लॉस दिया है कंपनी। कोरोना से पहले ऑलमोस्ट कंपनी प्रॉफिटेबल ही थी। कोरोना से पहले वाले साल सिर्फ 7 करोड़ का लॉस दिया, लेकिन कोरोना के चलते ये कंपनी इतनी ज़्यादा लॉस दे रही है। बैलेंस शीट में आप लोग देख सकते हो कंपनी के रिजर्व के मुकाबले ये कंपनी टोटली डेट फ्री है, क्योंकि कभी भी कंपनी देखो 1400 करोड़ के ऊपर का रिजर्व है और सिर्फ अराउंड 300 करोड़ का डेब्ट है, तो कभी भी कंपनी डेट फ्री बन सकती है। और एक चीज़ नोटिस करोगे तो 3 सालों से लगातार कंपनी डेब्ट रिड्यूस करते आ रही है, ऑलमोस्ट 200 करोड़ के, मतलब ऑलमोस्ट भाई 200 करोड़ ये कंपनी लगातार अपना डेब्ट रिड्यूस करते आ रही है। तो चलिए बात करते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न की। शेयर होल्डिंग पैटर्न में आप लोग देख सकते हो जो है प्रोमोटर्स ने अपनी होल्डिंग मार्च के क्वार्टर में इंक्रीज किया था, और DIIs का होल्डिंग और FIIs का होल्डिंग अभी भी कांस्टेंट है। उसके बाद अगर बात करें पब्लिक की होल्डिंग के बारे में तो बड़े बड़े प्लेयर्स ही इनमें पैसा लगा चुका है। सेलो पेंशन स्टेशनरी प्राइवेट लिमिटेड का भी इस स्टॉक में हिस्सा है। तो अब रिटेलर्स के बारे में बात करें तो अराउंड 31% रिटेलर्स की होल्डिंग निकल के आ रही है इस स्टॉक में से। तो गाइस लॉन्ग टर्म के लिए मैंने बता दिया, अगर आप लोग बाय करना चाहते हो तो 1 साल के लिए मत बाय करना, एटलीस्ट 2 से 3 साल के लिए बाय करके चल सकते हो इस कंपनी को। आप लोगों को अच्छे खासे रिटर्न देके जाएगा, 1 साल में भी रिटर्न देके जा सकता है, लेकिन वो डिपेंड करता है कोरोना कैसी रहेगी, क्योंकि रियल एस्टेट कंपनी है आफ्टर ऑल, कोरोना के ऊपर टोटली डिपेंडेंट है ये कंपनी। बाकी आप लोगों के ऊपर स्विंग ट्रेडिंग के लिए भी लेवल बता दिया है, और सॉरी फॉर दैट गाइस ये क्यों हो रहा है नहीं पता मुझे। स्विंग ट्रेडिंग के लिए भी मैंने आप लोगों को लेवल बता दिया है, और लॉन्ग टर्म में ये कंपनी कैसी है वो भी मैंने आप लोगों को बता दिया है। बाकी आप लोगों के ऊपर है, कुछ भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपनी खुद की रिसर्च ऐड कर लेना, आपका पैसा है, किसी को भी ब्लाइंडली फॉलो मत करना। तो गाइज आज के वीडियो के लिए इतने, अगले वीडियो में मिलते हैं गाइज। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड थैंक्स फॉर सपोर्टिंग। अगर आप लोगों को कुछ भी जानना है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप लोग मुझसे पूछ सकते हो, या तो फिर मुझे इंस्टाग्राम में DM कर सकते हो। इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ रहेगा। बाय गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड थैंक्स फॉर सपोर्टिंग।